दोस्तों, मेरी पिछली वाली वीडियो ने आप लोगों को बुरी तरीके से डरा दिया था और इसलिए आज मैं लाया हूँ एक और श्रापित जैपनीज हॉरर मूवी जिसका नाम है POV A Cursed Film। इस मूवी की कहानी ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है पर प्लॉट अच्छा है और IMDb ने इसे 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। हम लोग वीडियो के अंदर एक श्रापित वीडियो की मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकेंड चैनल को जिसपे सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है तुरंत उसे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं POV A Cursed Film मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है हमें बताते हुए कि ये एक फाउंड फुटेज फिल्म है और हम लोग मिराई नाम की एक लड़की की कहानी देखने वाले हैं जो एक एक्ट्रेस है। सीन टोक्यो जापान में ज्यादा है, जहाँ पे हम पहले मिलते हैं मिराई और उसके एक दोस्त हारूना से। मिराई टीवी पे एक टॉक शो को होस्ट करती है और हारूना आज उसके टॉक शो पे गेस्ट बन के आई है। वो लोग स्टूडियो में इकट्ठा हुए थे जहाँ पे हम मिराई के मैनेजर कुवाता से भी मिलते हैं। शो का डायरेक्टर था नाओकी नाम का एक आदमी और उसकी असिस्टेंट थी कीटा गावा। सब लोग आज के शो की तैयारी कर रहे थे जो जल्दी ही टीवी पे आने वाला था। थोड़ी देर बाद शो शुरू होता है जिसका नाम था द मिराई शीडा शो। मिराई अपने होस्ट वाले काम करती है और हारूना को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। काफी देर तक बात करने के बाद वो लोग अपने आज के टॉपिक को देखते हैं जो था घोस्ट वीडियोस, पर इस बात का मिराई को पहले से पता नहीं था और इसलिए वो थोड़ा घबरा जाती है। मिराई को डायरेक्टर के इशारों पे ही आगे चलना पड़ता है और मिराई और हारूना अब रिएक्ट करते हैं कुछ घोस्ट वीडियोस पे। पहली वीडियो थी एक स्कूल के रेस्ट रूम की जिसमें बहुत देर तक कुछ भी नहीं होता, पर हारूना को लगने लगता है कि शायद उसने ये रेस्ट रूम पहले देखा हुआ है। वीडियो चलती रहती है और कैमरे के पीछे लोग बातें करने लगते हैं कि ये वीडियो वो वाली वीडियो नहीं है जो उन्हें चलानी थी, पर कोई फायदा नहीं था क्योंकि वीडियो ऑलरेडी चल रही थी। अब वीडियो में होती हलचल और एक स्टॉल का गेट अपने आप खुल जाता है। कैमरे को कोई स्टॉल के पास ले जाता है पर उसके अंदर कोई भी नहीं था और वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। अब हारूना और मिराई को लगता है कि ये शायद एक रियल घोस्ट वीडियो होगी और हारूना थोड़ी एक्साइटेड होके वीडियो को फिर से चला देती है, पर इस बार दोस्तों कैमरे का एंगल बदल गया था। उन्हें लगता है कि वीडियो दूसरी है पर नहीं, ये वही वाली वीडियो थी। और इस बार जब दरवाजा खुलता है तो एक हाथ भी दिखाई देता है। एक बार फिर से टॉयलेट स्टॉल के अंदर कोई भी नहीं था, पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। वीडियो खत्म हो जाती है और किसी को समझ नहीं आता कि वो हाथ किसका था। मिराई और ज्यादा डर जाती है और थोड़ी देर बाद वो लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, पर उससे पहले हारूना बताती है कि उसने अपने जूनियर हाई स्कूल में भूतों को कैमरे में कैद करने की कोशिश करी थी पर उसे कुछ मिला नहीं। असल में हारूना के जूनियर हाई स्कूल में एक टीचर ने गर्ल्स बाथरूम में खुदकुशी कर ली थी और स्कूल में काफी सारी भूतिया घटना होती रहती थी। हारूना एक्साइटेड हो जाती है और ज्यादा स्कूल की बातें बताने लगती है और हमें पता चलता है कि स्कूल में श्रापित वीडियोस की मौजूदगी की अफवाह थी, जिसमें एक वीडियो में बाथरूम का शावर अपने आप चल जाता है, एक लड़की छत से गिरकर मारी जाती है। पर मिराई ये सब सुनने के बाद हारूना को मना करती है कुछ भी और बताने के लिए। नाओकी, कीतागावा और कुवाता भी इन कहानियों से डर रहे थे, पर थोड़ी देर बाद वो अगली वीडियो देखते हैं। अब इस बार वीडियो में वही सेम स्कूल था और हम लोग थे शावर रूम के अंदर, जहाँ पे एक शावर अपने आप चल जाता है और अब हारूना समझ जाती है कि ये तो उसी का स्कूल है। इसके बाद स्कूल के हॉलवे में एक विंडो के अंदर हम लोग एक डिमोनिक चेहरा देख पाते हैं जो बहुत ज्यादा क्रीपी था और हारूना समझ गई थी कि ये वीडियोस उसी के स्कूल की वही श्रापित वीडियोस है जिसके बारे में उसने अफवाह सुनी थी, पर ये वीडियोस स्टूडियो में कैसे आई ये किसी को पता नहीं चलता। कीतागावा अब DVD निकाल देती है, पर दोस्तों अगले ही पल स्क्रीन पे एक और वीडियो चल जाती है। DVD निकालने के बाद भी वीडियो चल रही थी और सब लोग वीडियो रोकने पे लग जाते हैं, पर वीडियो नहीं रुकती और इस बार वीडियो में हम लोग देखते हैं एक स्कूल की लड़की को जो छत पे डिमोनिक तरीके से हंस रही थी और वो मरने वाली थी, पर तभी डायरेक्टर TV का प्लग निकाल देता है और TV बंद हो जाता है। हारूना और मिराई को लगता है कि
कि ये सब कुछ डायरेक्टर और मैनेजर की मिलीभगत है, पर वो लोग मना करते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मिराई अब गुस्से में हारुना को वहां से ले जाने लगती है, पर तभी नाओकी कैमरे में कुछ डरावना कैद कर लेता है। नाओकी तुरंत हारुना और मिराई को जाने से मना करता है और वो लोग वीडियो के अंदर देखते हैं, जिसे देखकर हारुना और बुरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि दोस्तों वीडियो में खिड़की के अंदर एक लड़की की छाया कैद हो गई थी। अब इस बला से निपटने के लिए नेक्स्ट दिन कुवाता बुलाता है एक साइकिक को, जो आती है और हारुना से मिलती है। वो थोड़ा इधर उधर चेक करती है, एनर्जीज को चैनल करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि कौन सी आत्मा वीडियो में कैद हुई। बहुत सारे अजीब रिचुअल्स वो करती है और हारुना के ऊपर मंत्र वगैरह भी पढ़ती है, पर उस साइकिक के हिसाब से हारुना के पीछे कोई आत्मा इस जगह नहीं पड़ी। सब लोग खुश होते हैं और साइकिक बोलती है कि मेरा इस जगह का काम खत्म हुआ। नाओकी थोड़ी देर बाद साइकिक से शॉर्टी के लिए कुछ और सवाल पूछता है, पर साइकिक बोलती है कि मैंने कहा इस जगह पे सब कुछ ठीक है, पर हमें अभी भी जाना होगा उस स्कूल के अंदर और उस सोर्स तक पहुंचना होगा जिससे वो आत्मा निकली है, और हारुना से बात करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे मिराई पूछती है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, और साइकिक का जवाब था कि हारुना के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। साइकिक को ये भी लग रहा था कि मैनेजर कुवाता कुछ छुपा रहा है, पर वो क्या छुपा रहा है यह हमें बिल्कुल एंड में पता चलेगा। सब लोग सोचते हैं कि वो लोग स्कूल में कैसे जाएंगे, और साइकिक उस वीडियो को देखकर बताती है कि हाँ, ये जो आत्मा है ये उसी स्कूल से कनेक्टेड है। कीतागावा स्कूल में फोन लगाकर पूछती है कि क्या वो लोग वहां पे आ सकते हैं, और स्कूल टीवी शो के मेंबर्स का नाम सुनते ही उन्हें परमिशन दे देता है। कुछ दिन बाद अब वो लोग जाते हैं हारुना के जूनियर हाई, जहां पर सबसे पहले पहुंचता है नाओकी। वहां पे कीतागावा साइकिक को लेने गई हुई थी, पर कीतागावा नाओकी को फोन करके बताती है कि साइकिक ने आने से मना कर दिया है। थोड़ी देर बाद हारुना, मिराई और कुवाता भी वहां पे आ जाते हैं, और जब सबको पता चलता है कि साइकिक नहीं आ रही तो सब लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि वो साइकिक के बिना करेंगे क्या। उन लोगों के पास अब स्कूल की एक टीचर आती है जो सबको अंदर ले जाने आई थी। वो पहले मेन डोर पे ताला मार देती है, और हमें पता चलता है कि ये टीचर पहले हारुना को पढ़ाती थी, पर इस टीचर को भूतों की कहानियों पे कभी भी यकीन नहीं हुआ था। टीचर अब स्कूल के मेन दरवाजे का भी ताला लगा देती है और सबको अंदर ले जाती है। और दोस्तों, जो नाओकी था उसका मकसद था कि इस भूतिया अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके एक हिट वीडियो बनाना। खैर, अब आगे टीचर सबको अपने साथ ले जाती है, और वो सबसे पहले जाते हैं अनाउंसमेंट रूम में, जहाँ पे टीचर सबको दिखाती है एक वीडियो। वो वीडियो स्कूली बच्चों की ही थी, जिसमें स्विमर्स का इंटरव्यू लिया जा रहा था, पर एक पल के लिए वीडियो में कैद हो गई थी एक आदमी की आत्मा। टीचर बताती है कि वो आत्मा पानी के ऊपर खड़ी है, और उसे बिल्कुल नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। हारुना अब टीचर से बोलती है कि तुम्हें तो भूतों पे यकीन नहीं था, तो अब क्या हुआ। और टीचर बताती है कि कुछ टाइम पहले जिस लड़की ने ये स्विमिंग पूल वाली वीडियो बनाई थी वो पागल हो गई, और वो लड़की अभी तक हॉस्पिटल में है, और कुछ दिनों से स्कूल में हादसे हो रहे हैं, और अफवाह फैल रही है कि स्कूल के अंदर एक श्राप मौजूद है। टीचर बोलती है कि उसने सब लोगों को वहां पे इसलिए बुलाया ताकि वो लोग प्रूफ कर दे कि कोई श्राप व्राप नहीं है, और ताकि बच्चों के बीच में दहशत ना फैले। पर तभी एक इनविजिबल एंटिटी बहुत तेज दरवाजा पीटती है। सब लोग डर जाते हैं क्योंकि बाहर कोई भी नहीं था, और एक बार फिर से जब दरवाजा पिटता है तो वो लोग दरवाजा खोलकर भी चेक करते हैं। खैर, पहले तो वहां पे कोई भी नहीं दिखता, पर फिर वहां पे अचानक ही आ जाती है कीतागावा, जो साइकिक को अपने साथ लाने में फेल हो गई थी। कीतागावा को डायरेक्टर नाओकी से डांट पड़ती है, पर टीचर चौंक गई थी क्योंकि उसने स्कूल का मेन दरवाजा लॉक किया था, तो कीतागावा अंदर कैसे आ गई। वो लोग अब नीचे जाकर चेक करते हैं तो ताला खुला हुआ था, और टीचर घबरा गई थी। खैर, अब आगे टीम वाले जाने का फैसला करते हैं पूल के पास। टीचर सबको पूल के पास ले जाती है, पर रास्ते में हारुना और मिराई को मिलता है वो शावर जो वीडियो में अपने आप चल गया था। हारुना जाके उस शावर के फॉसेट को चेक करती है, जो बिल्कुल भी ढीला नहीं था। अब टीचर को पता चलता है कि डायरेक्टर की टीम के पास ऑलरेडी कुछ श्रापित वीडियो मौजूद है, जिससे वो थोड़ा और घबरा जाती है, पर क्यों यह हमें पता नहीं चलता। सब लोग खैर अब आगे पहुंचते हैं पूल के पास, और वहां पे डायरेक्टर सबको वैसे ही पोजीशन में खड़ा कर देता है जैसे टीवी में बच्चे खड़े थे।
कीतागावा पूल के पास जाके भूत की जगह ले लेती है, पर देखने से लग रहा था कि कीतागावा पानी पे खड़ी है, जबकि ऐसा नहीं था। और इसलिए हो सकता है कि वीडियो के अंदर भी वो आदमी भूत नहीं कोई इंसान हो। वो लोग आगे उस विंडो को जाकर चेक करते हैं, जहाँ पे उन्हें लगता है कि विंडो में जो चेहरा था वो शायद धूल से बन गया होगा। इसके बाद वो लोग गर्ल्स बाथरूम में भी जाते हैं, पर हारूना थोड़ी डर गई थी क्योंकि साइकिक के बिना वो लोग भूतों का सामना नहीं कर पाएंगे। हारूना और मिराई बोलते हैं घर जाने के लिए क्योंकि शाम होने लगी थी, पर नाओकी को वीडियो चाहिए थी और इसलिए वो खुद ही अकेला जाता है रेस्ट रूम में। वो बिल्कुल वीडियो की तरह आगे बढ़ता है और जाके वही वीडियो वाला दरवाजा खोलता है, पर ऑब्वियसली अंदर कोई नहीं था। लास्ट में वो लोग छत पे भी जाकर शूट करते हैं और हारूना छत पे बताती है कि वीडियो में जो लड़की थी जो छत से कूद गई थी वो असल में 20 साल पहले की वीडियो है, जब एक लड़की सच में छत से कूदी थी अपने ब्रेकअप के बाद। टीचर यहाँ पे हारूना को बोलती है कि ये सब बस एक अफवाह है, पर हारूना बोलती है कि नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। टीचर बोलती है कि ये स्कूल श्रापित नहीं है और सबूत तुम लोगों ने पूरे दिन में खुद ही ढूंढ लिया है, जिसके बाद टीचर चढ़ जाती है और सबको ले जाती है वापस एग्जिट की तरफ। सीढ़ियों से नीचे जाते हुए अचानक हारूना को कुछ सुनाई देता है और किसी के हंसने की आवाज थर्ड फ्लोर के रेस्ट रूम में से आने लगती है। टीचर बोलती है सबको वापस जाने के लिए, पर नाओकी थोड़ा जाकर चेक करता है क्योंकि उसे वीडियो बनानी थी। कीतागावा बोलती है कि वो भी उसके साथ जाएगी, पर नाओकी मना करता है। पर इसके बाद भी कीतागावा चले जाती है रेस्ट रूम के अंदर उस जगह की वीडियो बनाने, और देखने से तो लग रहा था कि कीतागावा अब पोजेस्ड हो गई है। उस जगह के अंदर जाने के बाद कीतागावा कुछ भी नहीं बोलती और वो अब जवाब भी नहीं दे रही थी। काफी देर हो जाती है पर कीतागावा वापस नहीं आती, जिसके बाद मिराई जाती है चेक करने के लिए, और ये वही वीडियो वाला टॉयलेट था, पर दोस्तों कीतागावा टॉयलेट के अंदर कहीं भी नहीं थी। उसका कैमरा जमीन पे पड़ा हुआ था और ये सब देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। कीतागावा का कैमरा उठा के वो लोग रेस्ट रूम से डर के मारे भाग जाते हैं, और तभी आता है साइकिक का फोन। फोन पे साइकिक कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, और दोस्तों अब नाओकी के होश उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि साइकिक और कीतागावा गाड़ी से स्कूल आ रहे थे जब उनका एक्सीडेंट हो गया, और अब कीतागावा और साइकिक दोनों ही हॉस्पिटल में भर्ती है। अब अगर कीतागावा हॉस्पिटल में है तो अभी अभी उनके साथ कौन था, और ये सोचकर सबकी रूह कांप जाती है। वो लोग चेक करते हैं कीतागावा का कैमरा, जिसके अंदर रेस्ट रूम को उसी तरीके से शूट करा गया था। कैमरा जमीन पे गिर जाता है और अब रेस्ट रूम से फिर से आवाजें आने लगती हैं। टीचर को भी अब डर लग रहा था, और अब अचानक ही लाइट्स चले जाती है। खैर वो लोग वीडियो को आगे देखते हैं, जिसमें रेस्ट रूम के एक स्टॉल का दरवाजा अपने आप खुलता है और अचानक बहुत अलग अलग क्लिप्स चलने लगती है। एक क्लिप में एक आदमी खिड़की के बाहर खड़ा था, दूसरी क्लिप में वो लड़की छत पर घूम रही थी, और जब वीडियो वापस रेस्ट रूम पे जाती है तो स्टॉल के अंदर से निकलती है एक डिमोनिक लाल ड्रेस वाली आत्मा। वो आत्मा कैमरे की तरफ डिमोनिक तरीके से बढ़ने लगती है, और अब उन लोगों के आसपास हर जगह शोर होने लगता है। वो लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं, और वो आत्मा कैमरे के बिल्कुल पास आ चुकी थी, और अब सबके सब डर के मारे भागते हैं। उन लोगों को किसी भी तरह अब स्कूल से बाहर निकलना था, पर उन लोगों का पीछा करने लगती है वो आत्मा। किसी तरह भागकर वो लोग एग्जिट तक पहुंचते हैं, पर एग्जिट बंद था, और तभी एक बड़े से आदमी की डिमोनिक आत्मा वहां पे आ जाती है और बहुत क्रीपी तरीके से सबको बुरी तरीके से डरा देती है। सब लोग फिर से भागते हैं, और वो भागकर अब छिप जाते हैं एक क्लासरूम में। टीचर अब बार बार बड़बड़ा रही थी कि भूत जैसा कुछ नहीं होता, पर सब लोग उसको चुप करवा देते हैं क्योंकि क्लासरूम के बाहर से निकल रही थी बहुत सारी परछाइयां। अब जब थोड़ी देर बाद वो परछाइयां चले जाती है, तो अब उन लोगों को कुछ करना था। सब लोगों के फोन भी खराब हो गए थे, खिड़कियां भी लॉक्ड थी, और मिराई हारूना से पूछती है स्कूल से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता, और हारूना बताती है कि स्कूल में एक पीछे का दरवाजा भी है जिसकी चाबी शायद टीचर के पास होगी।
अब चाबी तो टीचर के पास ही थी, पर टीचर का दिमाग खराब हो गया था और वो डर के मारे बोल रही थी कि मुझे तुम लोगों को यहाँ पे बुलाना ही नहीं चाहिए था, मुझे तुम लोगों को यहाँ पे बुलाना ही नहीं चाहिए था। पर हरुना उसे शांत करवाती है। अब चाबी लेकर हरुना बोलती है कि वो जाके पुराने बच्चों का रिकॉर्ड चेक करेगी ताकि पता चल सके कि वो आत्मा है किसकी। सब लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं, पर हरुना मिराई को लेके वहां से चले जाती है। अब ऑब्वियसली मैनेजर और डायरेक्टर को उनके पीछे जाना था और इसलिए वो दोनों टीचर के साथ आगे बढ़ते हैं कैमरे के नाइट मोड के साथ। पूरे रास्ते उनके साथ डिमोनिक चीजें होती है और एंड में वो लोग मिराई से जाके टकरा जाते हैं जो हरुना से अलग हो गई थी। सब लोगों को अब हरुना को ढूंढना था और थोड़ा इधर उधर ढूंढने पे हरुना उन लोगों को ऑफिस में मिल जाती है जहाँ पे उसने आत्मा का पता लगा लिया था। असल में दोस्तों वो जो आत्मा थी उसका नाम है यूको, जो 20 साल पहले स्कूल के अंदर पढ़ती थी और यूको का नाम सुन के कुवाता चौंक जाता है। यहाँ पे कुवाता अपने बचपन की बात बताता है और हमें पता चलेगा कि आखिर 20 साल पहले क्या हुआ था और कुवाता आखिर छुपा क्या रहा था। कुवाता बताता है कि 20 साल पहले उसने और यूको ने स्टार्ट करा था भूतों की वीडियो बनाना क्योंकि उन्हें पता चला था कि उनका स्कूल बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। और दोस्तों कुवाता और यूको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। उन वीडियोस को बनाते वक्त ही यूको को कुछ हो गया था और वो थोड़ी पागल पागल हो गई थी, जिसके बाद कुवाता ने यूको से ब्रेकअप कर लिया था और यूको छत से कूद कर मारी गई थी, जिसके बाद कुवाता को झटका लगा था और उसने स्कूल छोड़ दिया था और उसने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई। खैर आगे कुवाता बताता है कि यूको दुनिया को बताना चाहती थी कि भूत मौजूद है और इसलिए वो मरने के बाद वापिस आई और यूको ने हर वो कोशिश करी कि सबको पता चल सके कि भूत मौजूद है और इसलिए वो स्कूल के अंदर इतनी सारी हॉन्टिंग्स करती है और उसने काफी सारी आत्माओं को स्कूल के अंदर फंसा रखा है। पर तभी हरुना को कुछ हो जाता है और वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगती है। हरुना अब अचानक ही वहां से भाग जाती है और सब लोग तुरंत हरुना को बचाने के लिए जाते हैं जो सीधा छत की तरफ भाग रही थी और ये क्लियर था कि अब हरुना श्रापित हो गई है। छत पे पहुंच के सब लोग हरुना को बचा लेते हैं और उसे मार पीट कर होश में ले आते हैं, पर उस भगदड़ में कुवाता छत से नीचे गिर जाता है बिल्कुल यूको की तरह। थोड़ी देर बाद कुवाता को बचाने के लिए वहां पे आ जाता है नाओकी और कुवाता अभी तक जिंदा था। इसके बाद मिराई और हरुना भी स्कूल के बाहर निकल आते हैं और टीचर पीछे से भाग कर आती है और से नोवाकी वापस भेज देता है एम्बुलेंस बुलाने के लिए। यहाँ पे नाओकी लड़कियों को भी घर भेज देता है ये कह के कि एम्बुलेंस आ रही है, तुम लोग अब वापस घर जाओ, और जिसके बाद कैमरा नाओकी बंद कर देता है और यहाँ पे क्रेडिट्स चलने लगते हैं। हम लोगों को लगता है कि मूवी खत्म हो गई, पर असल में जितना भी शूट उन लोगों ने अभी तक किया था उसकी स्क्रीनिंग थिएटर में एक मूवी की तरह चल रही थी। जी हाँ दोस्तों, नाओकी ने कुछ टाइम बाद उस हादसे को एक मूवी में बदल दिया था जो अब हर किसी को पसंद आ रही थी। प्रोडक्शन कंपनी का मालिक भी बहुत ज्यादा खुश था नाओकी के काम से और मिराई और हरुना भी अब ठीक हो चुके थे और जो आत्मा थी उसने भी हरुना को परेशान करना बंद कर दिया था। पर दोस्तों हमें पता चलता है कि कीतागावा और साइकिक अभी भी हॉस्पिटल में है और कुवाता उस रात के बाद गायब हो गया था और आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। सब लोगों को लग रहा था कि यूको की जो आत्मा है उसने स्कूल में बहुत सारी आत्माओं को कैद करके रखा हुआ है और वो हरुना के जरिए कुवाता से अपना बदला लेने आई थी। खैर रीजन चाहे जो भी हो, आप मुझे अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताना। अब नाओकी दोनों एक्ट्रेस को ले जाता है उनकी मूवी दिखाने के लिए जो अभी रिलीज भी नहीं हुई थी, मतलब बस उसकी स्क्रीन टेस्टिंग्स वगैरह अभी हो रही है। मिराई और हरुना अब जाकर बैठ जाते हैं थिएटर में जहाँ पे जल्दी ही चलती है उन लोगों की मूवी। अब मूवी देखते देखते हरुना को अचानक ही ठंड लगने लगती है। मिराई को मूवी से अजीब सी फीलिंग आ रही थी और उसे लग रहा था कि कहीं ये मूवी श्रापित ना हो गई हो क्योंकि उन लोगों ने असली भूतों को मूवी में दिखाया है। और दोस्तों अब मूवी के बीच के सीन्स अपने आप बदलने लगते हैं। मिराई डरने लगती है पर हरुना को कुछ हो गया था और हरुना बहुत इंटरेस्ट के साथ मूवी देखने लगी थी। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग फिल्म को एनालाइज कर रहे थे बैक रूम में से, उनके साथ होने लगी थी कुछ अजीब चीजें। हरुना अब मूवी में और ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी और उसकी आंखें स्क्रीन से हटी नहीं रही थी, जिससे मिराई डर जाती है और वो जाती है नाओकी को बुलाने। पर जब वो बैक रूम में पहुंचती है तो वहां पर कोई भी नहीं था।
अब बैक रूम में से मिराई देखती है कि हारुना के पीछे एक आत्मा बैठी हुई है और वो तुरंत वापस भागती है अपनी दोस्त के पास। मिराई हारुना को वहां से भागने के लिए बोलती है, पर हारुना मूवी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और अब वो पागलों की तरह हंसने लगती है। यहाँ पे मिराई हारुना को चांटा मार के होश में लाती है और जब हारुना फाइनली भागने को खड़ी होती है, एक डिमोनिक आत्मा उसका पैर पकड़ लेती है। थिएटर की सीटों में अचानक बहुत सारी डिमोनिक आत्माएं आकर बैठ जाती है और मूवी के अंदर से यूको की आत्मा गायब हो जाती है। अब अचानक ही यूको की आत्मा सामने आ जाती है मिराई और हारुना के, जो हवा में धीरे धीरे उड़ने लगती है। उसे देखकर दोनों ही लड़कियां बुरी तरीके से कांप उठती है, पर हारुना मिराई को वहां से भागने के लिए बोलती है। मिराई अब अपनी जान बचाकर भागती है, पर वो जितनी भी दूर भाग रही थी यूको की आत्मा उसके पीछे उड़ते उड़ते आ रही थी। भागते भागते मिराई पहुंच जाती है स्क्रीनिंग रूम में जहाँ पे प्रोजेक्टर मौजूद था। मिराई समझ गई थी कि ये मूवी श्रापित है और इसे बंद करते ही शायद वो आत्माएं गायब हो जाए। काफी देर तक मिराई फिल्म बंद करने की कोशिश करती है उस आत्मा से बचते हुए, और जब वो आत्मा मिराई को मारने ही वाली थी तभी मिराई पावर को उड़ा देती है और ये श्रापित मूवी बंद हो जाती है। अब लास्ट सीन में मिराई वापस भागकर जाती है थिएटर में जहाँ पे हारुना भी जिंदा बच गई थी, मतलब उसने अपनी दोस्त को फाइनली बचा लिया। वो दोनों अब खुशी खुशी घर चले जाते हैं और जब तक इस श्रापित मूवी को कोई भी नहीं देखेगा तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन POV अ कर्स्ड फिल्म मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मेरे को हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।